नमस्कार एवरीवन। देखिए, क्लास 11th में जो CBSE ने जो टॉपिक्स हटाए हैं, जो चैप्टर्स डिलीट किए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको इस साल फिर उन टॉपिक्स को और उन चीज़ों को नहीं पढ़ना होगा जो आपको CBSE ने आपको जो नोटिफिकेशन भेजा है, PDF फॉर्म में भेजा है, तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। तो मैंने क्या किया, उसको सारे को सिंपल फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप इजिली समझ सको। तो देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 11th की आपकी ये बुक है, ठीक है। तो इस बुक में से कौन कौन से जो टॉपिक सटाए वो देख लो, या तो आप अपने साथ अपनी बुक को लेके बैठो या फिर एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि आप जो जो मैं बोलता रहूँ वो आप लिखते रहें। सो जो चैप्टर नंबर हमारे पास 4, 8 और 14 है वो तो कम्प्लीटली हटा दिए, PMI वाला चैप्टर जो था हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बाइनोमियल थ्योरम आएगा और यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके थे, तो ये तीन चैप्टर्स हमारे पास डिलीट कर दिए हैं। अब इस साल हमारे पास एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे 4, 8 और 14, पूरे पूरे हटा दिए हैं, ठीक है। बट ये जो चैप्टर्स हटाए बहुत सिंपल थे, बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा ठीक था, थोड़ा सा अच्छा था, बट 4 एंड 14 तो बिल्कुल ही ईजी चैप्टर थे आपके। सो देखते हैं क्लास 11 रिवाइज सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। सो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 मैं उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो चैप्टर हटा दिए गए, मींस जो टॉपिक हमारे पास डिलीट कर दिए ना, मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ। यहाँ पे क्रॉस मतलब ये हटा दिया है। आपके पास एक टॉपिक था डिफरेंस ऑफ सेट, चैप्टर नंबर 1 सेट में, और उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 19 था, तो एग्जाम्पल नंबर 19 अब आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। सो इस साल 2020-21 सेशन के लिए एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 थे, सिर्फ और सिर्फ वही नहीं पढ़ने, बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके अलावा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बाकी सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारे पास वो एक्सरसाइज 1.5, आप उसको नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज हटा दी है, मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ये टॉपिक हट गया आपके पास यहाँ से। तो ये टॉपिक हटा तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हुए, जितने भी हमारे पास ये डेफिनेशन एग्जाम्पल्स हुए, ये सारे हट गए, नहीं हट गए, यस और नो? तो ये सब चीज़ें हट गई, इससे रिलेटेड हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो भी हट गई, और ये एक्सरसाइज 1.5 है ये कम्प्लीट हट चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब आपको इस साल नहीं पढ़ना, ये एक्सरसाइज 1.5 हट गई है। जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें हट गई हैं, इसके अलावा सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.6 है आपके पास, वो पढ़नी है। रही मिसेलिनियस की बात, देखिए मिसेलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइज। तो इन दो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं आप वो नहीं करेंगे, बाकी इन दो टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नहीं हुए वो सब करने वाले हैं आप, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? मिसेलिनियस एक्सरसाइज में सभी में यही सीन है, अगर ये टॉपिक डिलीट हुए तो मिसेलिनियस में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 में तो आप ना के बराबर ही समझो, ठीक है, मतलब ये समुंदर सा चैप्टर था और इसमें सपोज करो तो इसमें से सिर्फ एक मग निकाल दिया, कुछ भी नहीं निकाला, वो भी निकाला भी तो क्या, बहुत सिंपल चीज़ निकाली है, रिलेशन एंड फंक्शन में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ रिलेशन था, एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था भी नहीं हमारे पास एक्सरसाइज में। इतना हल्का टॉपिक था कि एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं था पहले से एनसीईआरटी ने। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17, मैं कहता हूँ इसको भी सीख ही लेना, काम आएगा आपका आगे। दो एग्जाम्पल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कर ही लेना, बट ये टॉपिक आपके नहीं है और बहुत ही सिंपल टॉपिक था आपके ये। तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ से ये हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, है ना, लास्ट में जाके। तो जो जनरल सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम 1, 2, 3 है वो हटा दी गई है, बाकी सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा है। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब? और जो हमारे पास इससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4, देखिए ये एक्सरसाइज 3.4 है। तो देखो, जनरल सॉल्यूशन से क्वेश्चन लिया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तो पूरे के पूरे कट गए भाई, 5 से लेके ये टॉपिक हट गया ना, तो 5 से 8 तक सारा टॉपिक हट गया। और जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 थे उसमें जनरल सॉल्यूशन वाले चीज़, मतलब कि ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये पूछ सकता है कि हाँ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को नहीं पूछेंगे। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे हमारे पास, ये जो थ्योरम थी हमें प्रूव करना था और जो हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके थे अभी तक, ठीक है, इनफैरो क्लासेस पर आप देखेंगे तो चीज़ें हो चुकी हैं मैथमेटिक्स में। बट अब आपको थ्योरम 2, 3, 2 और ये 1 जो थ्योरम्स थी आपको नहीं पढ़नी है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, हल्का सा डिफिकल्ट लेवल था इस क्वेश्चन का, तो वो ये आपको नहीं करना है।
इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल 20, 21, 22, 23, 24 नहीं करना, और जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सिर्फ आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। समझ में आ गई ना मेरी बात सारी की सारी? तो आप चीज़ों को नोट डाउन करते चले। अगर सपोज आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो इन्फेरो क्लासेस है एक टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा। अगर आपको सपोज चाहिए इन्फेरो क्लासेस सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, मैं वहाँ पर PDF की फॉर्म में ये नोट्स हैं जो एज इट इज फोटो क्लिक करके वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से PDF उठा सकते हो, ठीक है? लेकिन याद रखना जो चीज़ें क्रॉस की है ना बस वही कटी है, बाकी और कुछ नहीं, मत कट कर देना, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर देना, ठीक है? देखिए चैप्टर नंबर 4 की बात है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा ही उड़ा दिया। क्वेश्चन इतना सिंपल था, एक ही फंडा था, पूरा का पूरा PMI खत्म कर दिया, आपको क्लास अंत में आने वाला ही नहीं है। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको नहीं करनी है अब, ठीक है? कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन? पोलर फॉर्म। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के 5.5.2 थी हमारे पास जो, अब आपको वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्योंकि अब जहाँ जहाँ पोलर फॉर्म के क्वेश्चन दिखे हैं ना, सपोज मिसेलेनियस में आपको दिख रहे हैं और आपको कहीं और भी दिख रहे हैं, तो आपको वहाँ से वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन इसके साथ एक और टॉपिक और था, आर्गेंट प्लेन है। देखो मैंने उसका नाम नहीं लिखा, वो दोनों टॉपिक साथ थे, बट आर्गेंट प्लेन है, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ में आ गई? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हट गए। क्वेश्चन नंबर 6 लीनियर इनक्वालिटीज़ कंप्लीट है। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में कहीं आप लोगों को डाउट ना हो जाए कि ये तो आपने कुछ यहाँ पे डैश लगाया हुआ है, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सिलेबस में है, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिलेबस में है, इसमें से एक क्वेश्चन भी डिलीट नहीं किया लीनियर इनक्वालिटीज़ में से। समझ में आ गई मेरी बात? सिंपल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट। चैप्टर नंबर 7 में देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, यहाँ से जो सब कुछ है BC लिखने का बोल दिया उन्होंने कि बस ताकि नाम हो जाए कि हाँ कुछ डिलीट किया है। देखो थ्योरम तो वैसे भी कोई नहीं पूछता जनरली, डेरिवेशन NPR और NCR के जो फोर डेरिवेशन होते हैं वो हटाए हैं आपको, और वो जनरली आते भी नहीं थे एग्जाम्स के अंदर, कोई देता भी नहीं था। क्वेश्चन आते हैं इसके, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो डेरिवेशन जो NPR और NCR के हैं वो हट गए हैं आपसे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 8 की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 4, 8 एंड 14 तो पूरे के पूरे हट गए। चैप्टर नंबर 4 ये बता दिया मैंने यहाँ पे, और चैप्टर नंबर 8 आपके पास ये रहा, ये कंप्लीट हटा दिया, पूरा हटा दिया। सबसे अच्छा चैप्टर मैं मतलब कहूँगा अच्छा कुछ चैप्टर था, अच्छे क्वेश्चन होते, थोड़ा सा समझने में अच्छे दिमाग की कसरत होती, तो आपका ये चैप्टर हटा ही दिया CBSE ने, अच्छा किया आप लोगों के लिए। तो चैप्टर नंबर 9 की बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया, वो सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। AP पूरी है, GP पूरी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पूरे पढ़ने वाले हैं, वो सब है, बट एक जो टाइप है सिर्फ एक टॉपिक सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 सिर्फ इस पे क्रॉस कर दे, और एक्सरसाइज जो 9.4 है, एक्सरसाइज 9.4 है आप उसको क्रॉस कर दे, क्योंकि एक्सरसाइज उसी पे बेस है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले जैसे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, तो मिसेलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 और 26, 25 एंड 26 क्वेश्चन नंबर इसी टॉपिक पर थे, तो उनको भी कट कर देना। तो ये चीज़ें कट हो गई। सीक्वेंस एंड सीरीज में चैप्टर नंबर 9 में सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज पूरा डिलीट मार दो। समझ में आ गई बात? तो बाकी सब कुछ पढ़ना है, इसके अलावा जो बचा सब, लेकिन पढ़ना अच्छे से होगा क्योंकि चैप्टर देखो काफ़ी कम हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन कुछ जगह मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ क्योंकि जो चैप्टर इजी थे वो हटाने की ज़रूरत, फिर थोड़ा सा आप लोगों को वही बात हो गई कि इजी चैप्टर हटा दिए, थोड़ा जो डिफ़िकल्ट थे वो थोड़े से हैं अभी भी, चलो। लेकिन वो इसलिए रखे गए हैं, देखो समझो मेरी बात, जो चैप्टर्स अच्छे अच्छे चैप्टर रखे गए, जैसे कि मैं कहूँ आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया, तो ये चैप्टर आपके आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है। क्लास 12th में बात कहूँ, क्लास फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। तो CBSE ने कुछ ये नहीं कि बस पर्ची फेंकी और जो जो दिखा वो डिलीट मार दिया, नहीं, आपको वो चीज़ें डिलीट किए जिनकी इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू दीज टॉपिक्स कम है, उनको डिलीट किया है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अरे ये टॉपिक तो हमारे पास जैसे अब UPSC एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी आते हैं टॉपिक्स, तो आपके पास कॉनिक सेक्शन वगैरह और इनके क्वेश्चन लिमिट एंड डेरिवेटिव पूरी इंजीनियरिंग में भर भर के रखे हुए हैं क्वेश्चन, तो जिनकी इंपॉर्टेंस है ऑलरेडी
उनको या तो हटाया ही नहीं गया है, उनको कोशिश किया गया है कि उनको रखा जाए, जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, जिनको लगता है कि बच्चा आराम से सीख सकता है बाद में भी, उनको हटा दिया है। समझ पा रहे हो? ये बेसिक फंडा था, ऐसे नहीं था कि कुछ भी जो मन में आया वो डिलीट किया। तो ये चीज़ें आगे फ्यूचर को देखते हुए और जिनकी इम्पोर्टेंस है देखते हुए उन तरीक़ों से चीज़ें को डिलीट किया गया है। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन कुछ भी डिलीट नहीं किया। मिससेलेनियस मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो मिससेलेनियस मैं अब लगभग हर चैप्टर की बोल सकता हूँ, क्योंकि ना जो जो पेपर बनेगा थोड़ा इजी लेवल बनेगा, लेकिन जो अगर टॉपर बच्चा है जो अबाउ 90 मार्क्स लाना से चाहता है, अबाउ 95, तो वो बच्चा तो मिससेलेनियस कर ले, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वही जो मिससेलेनियस करेगा वही थोड़ा सा यूनिक रहेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, तो यही आपको टॉपर ले बनाएगा मिससेलेनियस एक्सरसाइज। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप इसको तो रहने दो, आप करें मिससेलेनियस एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की कर लें, जो टॉपिक्स हटाए गए उन टॉपिक से क्वेश्चन को छोड़ के। चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा सिलेबस में कुछ भी नहीं हटाया, सब कुछ एज इट इज़ सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D सिंपल चैप्टर कहूँगा मैं इसको, और ये कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस के अंदर है, कंप्लीट सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 13 की बात कहूँगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसको मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए बोला क्योंकि क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कुछ और एग्जाम देंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका पीछा नहीं छोड़ सकते, ये आपका आप इसका नहीं ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपके साथ चिपकता रहेगा। सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपके पास ही आएंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो इसको ढंग से करना इस चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 14 ये बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था, एक तरीके से चैप्टर था, उसको हटा दिया है, इसमें कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ खास, तो ठीक है मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 14 हटा दिया। चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स, देखिए मैंने बात की एक्सरसाइज 15.3, ये एक्सरसाइज हट गई, मतलब इससे रिलेटेड जितने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे भी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स भी हमारे पास कट हो गए और एक्सरसाइज 15.3 भी कंप्लीट क्या हो गई है, कट हो गई है। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 16 की, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है। वैसे प्रोबेबिलिटी अच्छा चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सेम इसकी जैसा लिमिट एंड डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस है ऐसी प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हर जगह आएगा आपके पास, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो भर भर के आता है प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो टॉपिक है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, इसको हटा दिया गया है, मीन्स एग्जाम्पल नंबर 9 ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब नामचारे का चीज़ हटाई है, तो इसमें से नामचारे की चीज़ हटा दी, इसमें से चलो ठीक है एक्सरसाइज हटा दी, इसमें से कुछ नहीं हटाया। समझ में आ गई ना ये बात? कुछ नहीं हटाया, कुछ नहीं हटाया, कुछ नहीं हटाया, कुछ नहीं हटाया, चैप्टर नंबर 10 में से भी कुछ नहीं हटाया, तो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कुछ खास किया नहीं है, बट हाँ फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हटा दी हैं। पोलर फॉर्म जो कि इजी थी हटा दी है वो, ये तो था ही इजी। डेरिवेशन ऑफ NPR NCR इसलिए तो कभी आता ही नहीं है, तो नामचारे की चीज़ थी। तो बाइनोमियल थ्योरम, हाँ ये चैप्टर का थोड़ा सा है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप था और ये हटा दिया गया, बाकी सब तो ऐसी चीज़ें हटाई हैं ना के बराबर, जो इजी इजी चीज़ें थी और हटा दी गई है। ठीक है, सो ये आपका पूरा का पूरा डिलीटेड सिलेबस था, रिवाइज सिलेबस था आपका। मैं फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर इनफेरो क्लासेज सर्च कीजिएगा, वहाँ पर PDF फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको सपोज ये तो 11th क्लास का रिवाइज सिलेबस बताया मैंने, क्लास 9th 10th और 12th 9th 10th और 12th क्लास के रिवाइज सिलेबस को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो जो इनफेरो क्लासेज की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप वीडियोस को सर्च कर सकते हो। सपोज आपका कोई ब्रदर एंड सिस्टर अगर वहाँ पर है क्लास में 9th 10th 12th में, तो वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, सो होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी क्लास 11th के मैथ्स से रिलेटेड भी, और CBSE की कोई न्यूज़ अगर आएगी अच्छी न्यूज़ होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा इसको। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।